हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप इजीली कैसे अपनी आईलैश को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, आईलैश अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें आईलैश की ज़रूरत होगी। आईलैश के लिए मैंने ये आईलैश यूज़ की है, ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ की है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर मिस क्लियर का वाटरप्रूफ ग्लू यूज़ में लिया है और एक टाइनी सा ब्रश यूज़ में लिया है। हमें ट्विज़र की हेल्प से ये आईलैश को इस तरह से रिमूव करना चाहिए ताकि हमारी आईलैश जो है वो डैमेज ना हो। इसे रिमूव करने के बाद हमें आईलैश के साइज़ को मेज़र करना है। इसके लिए हमें आईलैश को इस तरह से ट्विज़र में पकड़कर अपनी आईलैश के आईज़ के ऊपर इस तरह से रखना है और देखना है कि आईलैश का साइज़ हमारी आईज़ के साइज़ से बड़ा तो नहीं है। अगर ये इसका साइज़ हमारी आईज़ के साइज़ से बड़ा होगा तो हमें साइड से इसको ट्रिम कर लेना है, आउटर कॉर्नर से इसको ट्रिम करना है। इस आईलैश का साइज़ मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट मैं ये ग्लू लूँगी और अपने हाथ पर इसे थोड़ा सा निकाल लूँगी, फिर विद द हेल्प ऑफ ब्रश मैं इसे आईलैश पर अप्लाई करूँगी। हमेशा ग्लू को इस तरह से ही अप्लाई करना चाहिए ताकि आईलैश पर ग्लू इवनली स्प्रेड हो जाए, और इसे 10 से 15 सेकंड के लिए टैकी होने के लिए छोड़ दूंगी। ये प्रोसेस 10 से 15 सेकंड के लिए करना ज़रूरी है ताकि हमारा ग्लू जो है वो टैकी हो जाए। उसके बाद ट्विज़र से इस तरह से आईलैश को पकड़ेंगे और अपने सेंटर पर फोकस करते हुए आईलैश को सेंटर पर टक करना है। जैसे ही आईलैश सेंटर पर स्टिक हो जाए उसके बाद ट्विज़र से इसे छोड़कर इसके आउटर और इनर कॉर्नर को प्रेस करना है। इससे आपकी आईलैश बहुत ही इजीली और जल्दी अप्लाई हो जाएगी। सो गाइस, आपने देखा कि कितनी इजीली मैंने आईलैश को अप्लाई कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।